गुंजन और अंबर की शादी की बात को लेकर पता नहीं दीदी जीजा जी क्या सोचेंगे। दीदी ने न जाने कितनी बार हमसे सब कुछ जानने की कोशिश की है, लेकिन हम उन्हें हमेशा टालते आए हैं। पर अब तो वो सब समझ जाएंगी, कहीं उन्हें बुरा ना लगे। अच्छा रहेगा कि हम सारी बातें प्रिंस को बता दें, तो शायद वो दीदी को संभालेंगे। लेकिन अगर प्रिंस को भी बुरा लग गया कि हमने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई, तो और भैया ने भी हमें अभी किसी को कुछ भी बताने से मना किया है, अब हम क्या करें? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मैं तेरा आना कंफर्म समझू, लेकिन बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अरे हाँ बाबा, मेरे लिए भी कल का दिन बहुत अच्छा है। एक मिनट नंदिनी, कल कुछ दोस्त डिनर पर आना चाहते हैं तो बुला लो। ठीक है, तो कल मिलते हैं। और सुन, खाली हाथ मत आना, अपनी भाभी के लिए कुछ लेकर आना। हे भगवान, कहीं बात बिगड़ ना जाए। अब सब आपके ही हाथ में है, सब संभाल लेना भगवान। भैया भाभी अभी तक नहीं आए। नंदिनी, क्या हुआ, बड़ी परेशान लग रही हो? नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। राजा भाभी आप आइए ना। कैसे हो प्रिंस जी? बढ़िया। कैसे हो सुजीत? और भाई राजा, इस वक्त कैसे आना हुआ? खुशी की बात को बांटने के लिए वक्त नहीं देखा जाता है। ये कौन सा नया चक्कर शुरू हो गया? आखिर ऐसी कौन सी खुशी हो सकती है जो मुझे पता नहीं? भाई राजा, आखिर ऐसी क्या बात है? हमने अंबर की शादी पक्की कर ली है। अरे वाह, अंबर की शादी पक्की हो गई, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई राजा। धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो भाई राजा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे कौन सी लड़की पसंद की है आपने हमारे अंबर के लिए? देखिए, मैं भी कैसे सवाल पूछने लगी। अरे हमारा अंबर तो लाखों में एक है, हीरा है हीरा। इतना खूबसूरत, इतना होशियार, आपने जरूर उसके लिए हीरा लड़की ढूंढी होगी। किसी बड़े ही उद्योगपति की लाडली बेटी है ना? बताइए कौन सी वो खुशनसीब लड़की है जो आपने अंबर के लिए पसंद की है? अंबर की पत्नी के रूप में हमने गुंजन को चुना है। राजा, ये तो और भी खुशी की बात है। क्यों प्रिंस जी? बिल्कुल, गुंजन तो उसी घर में पली बड़ी है, उस घर के लोगों, उस घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ सकती है। भला गुंजन से अच्छी लड़की कौन हो सकती है?
गुंजन की शादी अंबर से? कहां अंबर? इतने बड़े उद्योगपति, भाई राजा का छोटा भाई, और कहां वो गुंजन? उनके टुकड़ों पर पलने वाली एक मामूली नौकरानी की लड़की, और वो भी दूसरे धर्म की। अरे बहुत बहुत बधाई हो भाई राजा, और नीलिमा जी आपको भी, कि आपने अंबर के लिए गुंजन को चुना। लेकिन एक बात अगर पूछूं, मन में आ रही है, तो आप दोनों बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं नहीं कादम्बरी जी, अपनों की बात का बुरा क्या मानो, पूछिए ना। देखिए ना, सब कुछ कितनी जल्दी में हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही फातिमा बी को हार्ट अटैक आया, और गुंजन वो अस्पताल में कितना रो रो के कह रही थी कि उसकी गलती की वजह से ही फातिमा बी को हार्ट अटैक आया। और जब भगवान की कृपा से फातिमा बी घर लौट आई है, तो इतनी जल्दी जल्दी में आप अंबर और गुंजन की शादी, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही। कादम्बरी तुम भी ना इसमें समझने की क्या बात है? अब देखो जी, मैं तो इस घर और उस घर को एक ही समझती। अब कल को कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जवाब देने के लायक तो होना चाहिए ना, ताकि लोगों का मुंह बंद कर सकूं। क्यों भाई राजा? नहीं कादम्बरी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका पूछना बिल्कुल जायज। हमने तो नीलिमा से पहले ही कह दिया था कि जब आप सबको इस बात का पता चलेगा तो आप भी सब चौंक जाएंगे। जब हमें भी पता चला कि गुंजन और अंबर एक दूसरे को बचपन से प्यार करते, तो हम भी चौंक गए। अरे एक ही छत के नीचे रहने के बाद भी हमें इस बात का पता ही नहीं चला, क्यों नीलिमा? लेकिन जैसे हमें पता चला, हमने तुरंत शादी तय कर दी। और वैसे भी हम अंबर के लिए लड़की खोज ही रहे थे, और घर बैठे बैठे से अच्छा रिश्ता हमें कहाँ मिलता? आप ही बताइए, गुंजन जैसी बहू हमको कहाँ मिलती? आपने बिल्कुल सही कहा भाई राजा, अंबर को गुंजन से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी। क्यों कादम्बरी? अब भाई राजा आप कह रहे हैं तो यही कारण होगा। वैसे समझ में नहीं आ रहा, अंबर जैसा मॉडर्न नए ख्यालात का लड़का, और गुंजन एकदम सीधी सादी घरेलू लड़की। अरे कादम्बरी जी, आजकल के बच्चों की पसंद नापसंद इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अंबर ने गुंजन जैसी लड़की पसंद की है। अच्छा तो मैं इजाजत दीजिए। चालाक है ये भाई बहन की जोड़ी, आखिर दिखा ही थी ना चालाकी, बहाना बना दिया। पर मेरा नाम भी कादम्बरी है कादम्बरी, सच्चाई का पता तो लगाकर ही रहूंगी। चलो, सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, मन में इतनी शंका उठ रही थी ये सोचकर कि पता नहीं कहा पूछेंगे कहा ना पूछेंगे। अच्छा है उन्होंने कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं की। आपको जैसा लग रहा है वैसा है नहीं, उन लोगों को ये बात सुनकर झटका जरूर लगा है। आप देखिएगा, वो नंदनी से जरूर पूछेंगे, पता नहीं नंदनी संभाल पाएगी या नहीं। भाई राजा और भाभी को तो मुबारकबाद दे दी, लेकिन आखिरकार अंबर नंदनी का भी तो भाई है, नंदनी को कौन मुबारकबाद देगा? बहुत बहुत मुबारक हो नंदनी। थैंक यू जीजा जी। भाई बधाई तो मुझे भी देनी चाहिए, क्योंकि उस घर का मैं इकलौता दामाद हूँ और मेरे साले की शादी है। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई राजा ने अंबर के लिए गुंजन को चुना।
बहुत ही संस्कारी लड़की है, क्यों कादम्बरी? हाँ बधाई हो नंदिनी। अरे खड़ी क्यों, बैठ जाओ नंदिनी, बैठो। नंदिनी, कुंचन और तुम तो बचपन से पक्की सहेलियां हो ना? जी दीदी, बचपन से ही हम दोनों साथ में ही रहे हैं। अरे आप ये समझ लीजिए कि दोनों बहनें हैं। तो फिर नंदिनी, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? क्या छिपाया हमने दीदी? यही नंदिनी कि गुंजन और अंबर एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने अंबर और गुंजन के प्यार के बारे में बोलकर नंदिनी के लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दी ना? नहीं नीलिमा, तुम चिंता मत करो, नंदिनी बहुत समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेगी। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ये बात ना पता हो। लेकिन तुम हमें गैर समझती हो ना, इसलिए तुमने हमें बात नहीं बताई। नहीं दीदी, हमें सचमुच नहीं पता था कि गुंजन और अंबर भैया एक दूसरे से प्यार करते हैं। नंदिनी, अभी तो तुम कह रही थी कि गुंजन और तुम बचपन की सहेलियां हो, एकदम बहन जैसी हो, वो तुम्हें सारी बातें बताती है, फिर ये बात तुम्हें कैसे नहीं पता? ओहो कादम्बरी, जरूरी नहीं है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को सब कुछ बताए, और खास तौर से प्यार मोहब्बत की बातें तो अक्सर लोग छुपा लेते हैं, और यहां तो नंदिनी अंबर की बहन है, इसलिए नहीं बताया होगा। और सुनो, अब शादी का मौका है, खूब नाचने के लिए तैयार हो जाओ। और नंदिनी, इतनी खुशी का मौका है, एक और चाय तो बनती है। जी हम अभी ले आते हैं। तुम्हें भी ना, जब देखो मेरी बात काटते रहते हो, पूरी बात खत्म तो करने देते, बीच में अपनी टांग लगा दी। अब और क्या पूछना बाकी रह गया था, सब कुछ तो बता दिया था उसने, बेकार में उसके पीछे पड़ी रहती। प्रिंस, उसने तुझे भी नहीं बताया ना ये सब? तुझे तो सब बता सकती थी। दीदी, नंदिनी को कुछ पता होता तो जरूर बताती। मेरी तो किस्मत ही खराब, तुम दोनों की अकल पे तो ना पत्थर पड़े। अरे ऐसा कभी हो सकता है कि एक ही घर में अंबर और गुंजन का प्यार शादी तक पहुंच जाए और उस घर की लड़की नंदिनी को कुछ भी ना पता? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कुछ तो गलत हुआ है, नहीं तो अंबर जैसा लड़का गुंजन जैसी मामूली लड़की से, जिसका धर्म भी अलग है, उससे शादी के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। आपने चमक देखी? कैसी चमक? हमारी किस्मत चमक उठी और आपने अब तक उसकी चमक नहीं देखी। हाँ दीदी, कुछ बता तो रही थी, इसका मतलब घर की सारी लाइटें आपकी चमक से चमक रही थी। भाई क्या करें, हमारी किस्मत है इतनी अच्छी। अब देखिए ना, ये हमारी किस्मत है कि हमें आप जैसी बीवी मिली है, और अब हमारे साले साहब की शादी भी हो रही है, और कहते हैं कि अगर साले साहब की शादी हो तो सबसे ज्यादा इज्जत और मान घर के दामाद जी को मिलते हैं, तो हमारे तो अब मजे ही मजे। सो तो है। वैसे हम आपको बहुत समझदार समझते थे, लेकिन आप तो बहुत ही बुद्धू हैं। क्यों? हाँ, वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है, तो भला गुंजन और अंबर की प्रेम कहानी आपसे कैसे छुप गई? तो इसका मतलब प्यार के मामले में आप क्या निकली? बुद्धू है ना? हाँ सो तो है। अब देखिए ना, आप शादी से पहले भी हमसे प्यार करते थे ना, आपने न जाने कितनी बार इशारों में अपने प्यार के बारे में समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन हम कभी कुछ समझे ही नहीं। हाँ कभी कभी आपकी आंखों को देख के लगता था कि आपकी आंखें हमसे कुछ कहना चाहती हैं। अब क्या करें फ्रेंड्स, प्यार के मामले में हम शुरू से ही थोड़े बुद्धू हैं। कोई बात नहीं, हम आपको बुद्धू से समझदार बना देंगे।
आपको प्यार का पाठ पढ़ा देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, चाय उबल जाएगी। अच्छे बच्चे पढ़ने में आनाकानी नहीं करते, समझे? दीदी, वैसे ये पार्क तो हम आपको पढ़ा कर ही रहेंगे, आपसे वादा रहा हमारा। हमें माफ कर दीजिए प्रिंस, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, पर हम बहुत मजबूर हैं। बाबा, मैं यहां परेशानी में जल रहा हूं और आप यहां मजे से चेस खेल रहे हैं। बाबा, अब मुझसे ये ड्रामा नहीं होगा। ये जवानी की ससुरी यही समस्या है। पहले तो तुम जवान लोग कुछ सोचते नहीं हो, और अगर सोचना पड़ भी जाए तो फिर दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। जब ऊपर वाले ने दिमाग दिया है तो फिर दिल से सोचने का मतलब। बाबा, मुझे आपका लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। मैं यह मुसीबत में घिरा जा रहा हूं। और आप? धीरज बेटा, धीरज। धीरज के साथ किसी भी मुसीबत का हल निकालने के बजाय पहले ठंडे दिमाग से उस मुसीबत को समझो, तब उसका हल निकालो। इस जिंदगी में वही कामयाब होता है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को बहुत आसानी से हल कर दे। पर बाबा, यहाँ पर तो आपकी सब चालें उल्टी पड़ रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घरवाले मेरी शादी गुंजन के साथ करवा कर ही रहेंगे। तो करवाने दो। अरे, यही तो हम चाहते हैं। अगर तुम्हारे घरवाले तुम्हारी शादी गुंजन से करवा के खुश होना चाहते हैं तो उन्हें खुश होने का मौका दो बेटा, कर लो गुंजन से शादी। का फर्क पड़ता है तुम्हें? जरा सोचो, गुंजन के साथ इस घर में बिना किसी रिश्ते के तुम इतने सालों से एक ही छत के नीचे रहते आए हो, तो फिर शादी के बाद भी रह लेना। कौन सा शादी के बाद तुमको गुंजन के साथ सात समंदर पार जाना है? अरे, इसी घर में रहना है, राजा की प्रॉपर्टी संभालनी है, बिजनेस संभालना है, और बचे कुचे टाइम में दोस्तन के साथ में अय्याशी करनी है। तो फिर कर लो गुंजन से शादी, का फर्क है? पर बाबा, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? अरे, घर वाले गुंजन के साथ तुम्हारी केवल शादी करवा सकते हैं, लेकिन शादी के बाद गुंजन को पत्नी का दर्जा देना या ना देना, ये तो तुम्हारे ही ऊपर है ना। दुनिया में कोई भी औरत इस बात को नहीं पसंद करेगी कि सब घर वालों के सामने उस औरत का पति उसकी उपेक्षा करे, उसका अपमान करे। और जब ये राजा की दुलारी गुंजन की आंखों से टप टप आंसू गिरेंगे ना, उस वक्त उसको ये एहसास होगा कि पांव की जूती को सर पे रखोगे तो जूती की धूल आंखन में लग के आंसू ही निकालेगी।